हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, फाइनली केंद्रीय विद्यालय की विंटर ब्रेक आज से शुरू हो रही है और इतने दिनों के बाद फाइनली अब मैं अपने घर वापस जाने वाला हूँ। ज्वाइनिंग के बाद पहली बार अपने घर जाने की तैयारी हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिनों के बाद घर जाने का मौका मिल रहा है। जाने की तैयारी ही हो रही है और सामान की पैकिंग चल रही है, क्या छोड़ना है, क्या लेकर के जाना है। सारे सामान यहाँ पर बिखरे हुए हैं और अभी जो है पैकिंग का काम चल रहा है। बहुत ही जल्द पैकिंग हो जाएगी, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे केवी क्वार्टर से। अभी फ़िलहाल मैं केवी क्वार्टर में हूँ और सफ़र में अकेला नहीं हूँ, मम्मी पापा भी हैं साथ में। और आपको तो पता ही है कि अकेला सफ़र कितना बोरिंग होता है, तो खैर इस बोरियत से फ़िलहाल इस सफ़र के लिए मैं बच गया और हम सभी ट्रेन से निकलने वाले हैं। पूरा सफ़र मेरा ट्रेन से होगा, ठीक है। सफ़र बहुत लंबा है और बीच में रुक रुक कर भी जाना है। फिलहाल यहाँ से उड़ीसा से पहले रायपुर जाना है। रायपुर में भी घर है, दीदी और भैया रहते हैं, वहाँ पर भी स्टे करना है, ठीक है। उसके बाद एक दिन वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे अपने घर के लिए मैं निकलूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन भवानीपटना और यहीं से आगे सफ़र शुरू करने के लिए हमें ट्रेन मिलेगी। हम यहाँ से प्लान है हमारा भवानीपटना से तितलागढ़ स्टेशन जाने का और तितलागढ़ से फिर हमें रायपुर के लिए अगली जो है ट्रेन मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है भवानीपटना का रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा है और यहाँ से हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। तब तक आप इस स्टेशन का व्यू देखिए एक बार। हमें मिल गई है हमारी ट्रेन और यहाँ पर ट्रेन में सीट मिल गई है। यहाँ पर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन जो है अब चलनी शुरू हो गई है और इसके बाद थोड़ी देर में कुछ ही स्टेशन बाद हम वहाँ पर उतर जाएंगे जहाँ हमें ट्रेन चेंज करनी है। और बाहर का नज़ारा इस कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ऐसे ही सुंदर नज़ारों के साथ हमारा ट्रेन का जो सफ़र है वो कटेगा और आज रात को 8 बजे के आसपास हम रायपुर शहर पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अभी मैं हूँ लांजीगढ़ स्टेशन पर। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ट्रेन छोड़ दी है और यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ना है। इससे पहले प्लान था तितलागढ़ जाने का, तितलागढ़ से दूसरी ट्रेन हमको चेंज करनी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ काम होने की वजह से लांजीगढ़ स्टेशन पर उतर गए हैं और यहाँ से भी हमारी जो दूसरी ट्रेन है वो मिल जाएगी और वो ट्रेन सीधे रायपुर तक जाएगी। तो यहाँ से जो ट्रेन अभी हमको मिलेगी, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे की वेटिंग है यहाँ पर। इसके बाद जो ट्रेन मिलेगी वो सीधे रायपुर तक जाएगी। रायपुर में एक दिन रुकना है, ठीक है, उसके बाद अपने गंतव्य के लिए चिरमिरी के लिए निकलना है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ मेरा होम स्टेट। मैं हूँ अभी रायपुर में, अभी आधा ही सफ़र पूरा हुआ है। रायपुर में अभी एक दिन का स्टे है, उसके बाद रायपुर से आगे निकलूँगा मैं अपने घर जाने के लिए। इतने दिन लगातार ड्यूटी करने के बाद ये छुट्टियां बहुत ही अहम हैं। इतने दिन की जो छुट्टी मिली है, जो विंटर ब्रेक मिला है, और इसमें अपने घर जाना बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही खुशी की बात है। और फाइनली अब एक दिन बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद जो भी आगे की अपडेट है वो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विंटर ब्रेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नए ज्वाइनिंग वाले जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए। तो आई होप कि सभी की यात्रा मंगलमय हो, सभी अपने घर पहुंच पाएँ, अपने परिवारजनों से मिल पाएँ, इसी आशा उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, फाइनली मैं यहां पर पहुंच गया हूं बिलासपुर। और रायपुर से दोपहर में निकले थे और मैं अकेला अभी सफ़र कर रहा हूं और जा रहा हूं चिरमिरी। तो अभी मैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। यहां पर अभी 11:30 बजे रात में मुझे ट्रेन मिलेगी चिरमिरी के लिए और 12 बजे वो ट्रेन चलेगी। सुबह के 6 बजे मैं चिरमिरी पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन का समय लगभग हो गया है और ट्रेन आने ही वाली होगी, उसके बाद हम ट्रेन में चढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे कल सुबह चिरमिरी, ठीक है। तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि 2 महीने के बाद चिरमिरी जा रहा हूं और अपने घर जाने वाला हूं, अपने परिवार वालों से मिलने वाला हूं, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलने वाला हूं, तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो चलिए चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं अपने होम टाउन चिरमिरी पहुँच चुका हूँ और फाइनली ये 2 दिन का सफ़र जो है अब समाप्त हो चला है। 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद
मैं चिरमिरी पहुंच गया और सफ़र के साथ साथ इस वीडियो को भी अब एंड करते हैं। अब जाते हैं घर और अपने परिवार वालों से मिलते हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं। तो बने रहिएगा इसी तरह से चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।